फिगर 13.21 शोज अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर सेंटीमीटर कंटेनिंग एन एंगल थीटा डिग्री. द एरिया ऑफ द सेक्टर इज ए सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द पैरामीटर ऑफ द सेक्टर 50 सेंटीमीटर. प्रूव दैट थीटा का वैल्यू ये होगा और एरिया यहाँ पे ये हो जाएगा. ए फॉर यहाँ पे एरिया से ही ना मतलब है जी. चलिए पहले वाले के लिए देखते हैं. अच्छा पहले यहाँ पे लिख लेते हैं कि एंगल ऑफ सेक्टर दिया हुआ है. एंगल ऑफ द सेक्टर, एंगल ऑफ द सेक्टर क्या दिया है थीटा, है ना थीटा डिग्री. और यहाँ पे एरिया ऑफ द सेक्टर ए सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ पे रेडियस भी दिया है. रेडियस ऑफ अ सर्कल आर सेंटीमीटर. पहले नंबर के लिए देखिए हमें थीटा ये प्रूव करना है. अच्छा एरिया दिया है, रेडियस दिया है, पेरीमीटर भी दिया है. चलिए देखते हैं पेरीमीटर को है. पेरीमीटर ऑफ द सेक्टर क्या दिया है जी, 50 सेंटीमीटर. ये आर है तो ये भी आर होगा ना, रेडियस है तो पेरीमीटर का मतलब यहां से क्या है. पेरीमीटर का मतलब है आपका ओ ए प्लस का ओ बी और प्लस का ए बी इक्वल टू में 50 सेंटीमीटर. तो यहाँ ओ ए की बात करेंगे तो ये आर सेंटीमीटर, ओ बी भी आपका आर सेंटीमीटर और ए बी की बात करेंगे ए बी ए वाला तो लेंथ ऑफ आर्क है जो कि होता है पाई थीटा, पाई आर थीटा बाई 180 या ऐसे भी लिख सकते हैं थीटा बाई 180 डिग्री पाई आर. ठीक है 50 सेंटीमीटर तो ये 2r हो जाएगा, उधर जाकर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो थीटा बाई में 180 डिग्री पाई आर इक्वल टू में 50 माइनस का 2r है ना जी. अब इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या होगा. सेंटीमीटर लगा देते हैं. चलिए इसको अब इधर क्या करते हैं थीटा इक्वल टू में लिख देते हैं 180 डिग्री और बाई में पाई आर. ठीक है ना जी इक्वल टू में यहाँ से देखिए आप 2 कॉमन कर सकते हैं तो 2 कॉमन करेंगे तो 25 माइनस का आर बच जाएगा. यहाँ पे सेंटीमीटर हट जाएगा ना, एंगल हम लोग निकाल रहे हैं. ठीक है चलिए अब यहाँ से थीटा इक्वल टू में 360 डिग्री बाई पाई, इस आर को अंदर ले जाते हैं तो 25 बाई आर और आर इसमें डिवाइड होगा तो 1. ये थीटा का वैल्यू होगा, एंगल आ गया. फिर हमें एरिया जो है ना प्रूव करके दिखाना है कि वो 25 आर माइनस का आर स्क्वायर होगा. एरिया देखिए